मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद हैं हम मुम्बरा के खरड़ी रोड पे और आपको बता दें कि आज जो है सहारा थाने स्क्रैप एसोसिएशन की तरफ से यहां पर एक मीटिंग रखी गई थी और ये मीटिंग खास करके जो दीवा के स्क्रैप भंगार और बाटली के जो व्यापारी हैं उन लोगों के लिए रखी गई थी, क्योंकि इन लोगों के साथ जो है हफ्ता वसूली की बात सामने आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इन व्यापारियों को काफ़ी परेशान कर रहे हैं, इनसे हफ्ता मांगा जा रहा है और ना हफ्ता देने पर इन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं। यानी इनके अगर 20 रुपए का कोई माल है तो उस माल को वो इनसे 15 रुपए में मांगते हैं और ना देने पर इन्हें मारने की भी धमकी देते हैं। इन तमाम परेशानियों को जब इस एसोसिएशन के अध्यक्ष करीम खान और अनीस कुरैसी इन लोगों को जब ऐसी जानकारी मिली, उसके बाद आज यहाँ खरड़ी रोड पर जो है एक मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में करीम खान, अनीस कुरैसी, सैयद अली अशरफ भाई साहब और शमीम खान, ऐसे तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद थे और तमाम व्यापारियों से उनकी बात सुनी और किस तरह से इस पर उन्होंने कहा है कि अगर जो मीटिंग रखी गई थी उस मीटिंग में ये बात सामने आई है कि पुलिस को लेटर देकर जिन लोगों ने धमकी दी है उनका नाम पुलिस को लेटर देकर जानकारी दी जाएगी और आगे अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद फिर वो आगे का रुख अख्तियार करेंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी यहाँ इस मीटिंग में दी गई है, शमीम खान ने क्या कहा है, अशरफ सैयद अली भाई साहब ने क्या कहा और व्यापारियों ने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। और इसी तरह से एक यहाँ पर मुजफ्फर करके एक व्यापारी और आए थे जिनका एक रूम जो है किसी ने कब्जा कर लिया है, सैयद अली अशरफ भाई साहब ने उन्हें भी रूम दिलाने का यानी उन्हें भी इंसाफ दिलाने का वादा किया है और शमीम खान ने भी वादा किया है कि इन्हें रूम वापस दिलाया जाएगा। इस पूरे मामले में शमीम खान, अशरफ सैयद अली भाई साहब और करीम खान और अनीस कुरैसी और दीवा के रहने वाले जिन्हें कार्याध्यक्ष दीवा का इस संगठन का जो है बनाया गया है कपिल, उन्होंने भी क्या कुछ कहा है सुनिए। देखिए ऐसा है कि आज मुझे ये सब मालूम पड़ा है करीम भाई के यहाँ से आने के बाद, तो अभी मैंने इनको परसों को मैंने बोला है कि वहाँ के सीनियर का टाइम लिया जाए और सीनियर का टाइम लेके उनको नई व्यवस्था बताई जाए कि इस तरीके की दादागिरी गुंडागर्दी हो रही है, किसी का गाला है, कोई कब्जा कर रहा है, कोई दुकान, कोई व्यापारी व्यापारी व्यापार करने जा रहा है उसको मारा जाता है, उसके टेम्पो को वापस कर दिया जाता है, तो इस तरीके की गुंडागर्दी महाराष्ट्र में नहीं चलेगी और इसके लिए तुरंत हम सीनियर डाइगर सीनियर भी बात करेंगे, उसके बाद फिर जरूरत पड़ी तो पुलिस कमिश्नर पंसागर साहब के पास भी जाके उनसे बात करेंगे। मेन लोग हैं जो व्यापारी लोग हैं उनके साथ में क्या क्या यहाँ पे जुल्म और ज्यादती हो रही है, क्या उनके साथ गलत किया जा रहा है, वो सब बातों को सुनने और समझने के लिए और इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आज की जो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, मैं आप तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। रही बात, मैं यहाँ पहुँचा देरी से क्योंकि मैं आउट ऑफ था और थोड़ा मुझे आने में देरी हुई, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे मुझे बताया गया कि चिजा के बारे में बुजुर्ग आदमी है और इनके साथ भी कोई जुल्म हुआ है, यहाँ पे कोई गाला था इनका, वो कब्जा कर लिया गया, तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कलवा मुम्बरा का विधानसभा होने के नाते ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, जितनी जिम्मेदारी अनीस कुरैशी साहब की है, जितनी जिम्मेदारी करीम भाई की है, जितनी जिम्मेदारी कपिल भाई की है, उतनी ही जिम्मेदारी मैं अपने आप को भी समझता हूँ कि हम सब का ये फर्ज है कि कहीं पे अगर कोई नाइंसाफी और कहीं पे कोई जुल्म और जाति अगर इस तरीके से की जाएगी तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनको दबा करके इनकी जमीन को हड़प करने काम करते हैं, तो मैं प्रहार टाइम्स के माध्यम से आप तमाम पत्रकार भाइयों के माध्यम से उन्हें आज ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अब आपके जुल्म और आपकी ज्यादती कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ऐसा कुछ किया गया तो मैं वादा करता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के मार्गदर्शन में और यहां पे जो हमारे साथी ये अनीश कुरैशी साहब, करीम भाई और ये लोग हैं, ये जहां बताएंगे वहां हम पूरी ताकत के साथ आप तमाम लोगों को इंसाफ दिलाने का और निर्णय के लिए पूरा काम करेंगे। आज क्या यहाँ पर जो स्क्रैप के व्यापारी हैं उनके साथ यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी, क्या ये पूरा मामला था? ये पहली बात तो मैं बताऊं कि सिर्फ स्क्रैप के व्यापारी नहीं है, पुट्टे के भी व्यापारी है, बोतल भी, खाली बोतलें भी खरीदते, सभी तरीके के व्यापारी है और बड़े गरीब तबके के व्यापारी है
और पिछले कई दिनों से एक चीज सुनने में आ रही है बार बार कानून में आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक संगठन बनाई है, तो संगठन के तहत जो लोग काम करते हैं उनको तकलीफ हो रही है। मतलब कुछ लोकल गुंडे लोग, भाई ये बाटली तो इतने में खरीदेगा, ये पुट्ठा हम इतने में खरीदेंगे, उनको धंधा एक तो मालूम नहीं लगी, किसी के चढ़ावे बढ़ावे में आ करके ये लोग कुछ गुंडागर्दी कर रहे हैं, व्यापारियों को सताया जा रहा है। तो आज एक गेट टूगेदर रखा गया था कि हम लोग आज उस पर चर्चा करेंगे और कल इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, कल डैगर सीनियर और मुमरा सीनियर दोनों को हम मेमोरेंडम देंगे, ये जितने भी गुंडे गुंडागिरी कर रहे हैं इनके नाम लिखे। नाम वगैरह ऐसा पता चला है जी? नाम है लेकिन मैं अभी भी नाम नहीं बताऊंगा। नाम है, मुद्दा सामने आया कि जमीन कब्जा कर ली गई है जी, जमीन का भी देखेंगे हम। जमीन का तो नाम मैंने खुला वाजे तौर पे माइक से भी बोला है और कल हम लोग उसका नाम लिख करके मेमोरेंडम भी देंगे डाइगर सीनियर को, जमीन वाला। और रहा दीवा वाला मसला इस्लाम भाई, तो नाम है लेकिन अभी हम लोगों ने नाम ओपन नहीं किया, कल नाम इंशाल्लाह हम लोग लेटर हेड पे देंगे, कल कंप्लेंट उनकी भी दी जाएगी जितने भी लोग गुंडागर्दी कर हमारे व्यापारी। कपिल भाई, आपको भी इन्होंने पदभार दिया है, तो क्या जिस तरह से जो व्यापारी है इनमें ही एकता सामने नहीं आ रही, जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं ऐसी जानकारी आ रही कि इन्हीं लोगों में से कुछ लोग हैं जो उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद इस तरह की हरकतें हो रही हैं? ये बात सही है। अभी गए मैं 12 सालों से दीवा व्यापारी संगठन, चेतन पाटिल साहब अध्यक्ष है व्यापारी संगठन के, उसका मैनेजमेंट का पूरा काम ये कपिल रोड़े खुद करते आ रहा है। व्यापारियों को मालूम है हमारे दीवा में जो बंगार एसोसिएशन है, एक 10 साल पहला कुछ गाँव वाले जो कुछ थे जो उन्होंने व्यापारी एसोसिएशन अलग से बनाने का नियोजन किया, तो उसके अंदर अपना एक व्यापारी उनको दिमाग दे चुका था कि बाबा ये व्यापारी लोगों को अगर अपन अलग से यूनियन बनाते हैं तो उनमें से अपने को 5,000 रुपये डिपॉजिट और महीना महीना ये अपने को मिलते रहेगा अगर हम उनको डाला धमकाते हैं तो। जब मुझे तो इतना ही कहना है कि मैं जो अभी देखा हूँ कि 12 सालों के अंदर व्यापारियों की जिधर एकता आती है उधर न्याय जरूर मिलता है। ये व्यापारी जब एक दूसरे को पैर खींचना बंद कर देंगे तो उनको न्याय पक्का मिलेगा। और साफ साफ हफ्ता वसूली की बात हो रही है, हफ्ता वसूली की बात है। और रही दूसरी बात, उसके अंदर अपने कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। हफ्ता वसूली का घटना ऐसा सामने आया है कि व्यापारियों से जो है तो पुष्टे का एक खरीदार है जो बोलता है कि 5 रुपये किलो आप ले गए पब्लिक से और मैं 7 रुपये किलो लूंगा, और मार्केट में वो जाता है 11 रुपये किलो, एक 4 रुपये का फालका है। तो व्यापार मंडल में ऐसा कुछ करके नहीं चलने वाला है, क्योंकि मार्केट जब खुलता है तो ऊपर के लेवल से खुलता है, हमारे घर से नहीं खुलता है मार्केट। तो आज 5 रुपये किलो हमारे सभासद को कौन देगा? पुष्टा नहीं देगा तो उनको नहीं मिलेगा, तो वो कहाँ से बेचेंगे? और इसी तरीके से धंधा खराब होगा। और पब्लिक जब हम 5 रुपये बोलेंगे तो कुछ लोग भी मारेंगे धंधे वालों को, ये लूटने के लिए बैठा। तो इसी तरीके का मामला हमारे सामने आया कि कुछ गुंडेगिरी करके दादागिरी करके हमारे सभासद को सताया जा रहा है, ये भाव से मांगा जा रहा है, तो वैसा तो हम नहीं चलने देंगे। क्या नाम है आपका? चीनक गौड़ नाम है, सागर पेपर मेरी कंपनी का नाम है, उत्तर श्री गौसिया मार्केट में दुकान है मेरा रद्दी पेपर का। मैं पिछले 12 साल से दीवा में ये काम कर रहा हूँ रद्दी पेपर भरने का। तो मुझे 13 तारीख को मेरी गाड़ी रुकाई गई दीवा में। कहाँ पे? दीवा में। वहाँ के जो दीवा के लोकल लड़के लोग हैं गांव वाले, वो बोलते हैं कि अब हम धंधा ये रद्दी पेपर काम खुद करेंगे, आपको नहीं करने देंगे, आप अपनी गाड़ी मत भेजिए नहीं तो आपको गाड़ी पे आग लगा दिया जाएगा, आपकी गाड़ी तोड़ दिया जाएगा। और यहाँ तक कि वो प्लस हमारे ऑफिस से भी आते, 18 जन आए थे। मैं फोन करके उनको बोला, गौसिया मार्केट उत्तर से, मैं उनको फोन करके बोला कि आप 2-3 लोग आ जाइए हमारे ऑफिस में बैठ के उसका रास्ता निकाल लेते हैं बात करके, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, क्या प्रॉब्लम, उसका रास्ता निकालते हैं। तो 18 जन आए थे हमारे ऑफिस में, उन लोग आए और वो लोग बोले हैं कि आप अपनी गाड़ी नहीं भेज सकते हो, हम दीवा के लोकल आदमी, हम खुद ही धंधा करेंगे, आप बाहर से नहीं जा सकते हो, यदि आप गाड़ी भेजते हो तो आपकी गाड़ी आग लगा दिया जाएगा और आपकी गाड़ी तोड़ दिया जाएगा। सर, अगर इसी तरह चलता रहा तो पूरे शहर में, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा जहाँ का जो है वही कर सकता है।